देखिए हमने खेमा बाबा की रचना प्रस्तुत की। इसी बीच में हमारे बीच में देखिए हमने खेमा बाबा की रचना प्रस्तुत की। इसी बीच में हमारे बीच में आवाज को नहीं आ रहा पीछे। अरे हेलो, बोले श्री खेमा बाबा की। आप सभी भक्तगणों द्वारा ये जागरण का प्रोग्राम रखा गया, बंदूक आप कौन कौन आए हुए? प्रधान साहब आए हुए? आपके प्रधान साहब, समस्त भजन मंडली, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने जागरण का शानदार प्रोग्राम रखा गया। मैं इधर हरियाणा के में होने की वजह से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आप सभी से कपराती हूँ। और आप लोगों ने जो बड़ी मेहनत की और खेमा बाबा से जो अरदास की, प्रार्थना की कि विजय होने के ऊपर उपलक्ष्य में आप जागरण रखाओगे, कार्यकर्ता सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा खेमा बाबा से हम यही अरदास करते हैं कि हम सब के लिए आने वाले अपना क्षेत्र हर दिशा के अंदर आगे बढ़े। जो आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देकर आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भेजा, इसलिए मैं आप सभी का हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। और खेमा बाबा की कृपा से, कर्तव्य निष्ठा से आपकी अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा प्रयासरत रहूंगा। और अपने क्षेत्र में हर दृष्टि से विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक दृष्टि से, समाज के अंदर जो मूलभूत धंधा करने वाले सब लोग बाबा की मेहरबानी से प्रोग्रेस करें, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें। मैं जल्दी आपके बीच में हमेशा रहता हूं, लेकिन इस ये प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा हमेशा ऐसा ही बना रहे। सभी भक्त जनों का, समस्त भजन मंडली का, समस्त हेलो, बहुत बहुत आभार। एक बार पुरजोर तालियों के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय का।